संकेत कैला भाई हे समय गीत बड़ा तहलका मचोले ओपी भाई कोनो नाचे वाली कसाटा बा मलिकार नाचे वाली कसाटा तो कह दिया लेकिन को के जाके घड़ी घंटा के बाद जाके मरले हुए दो बोतल मार के केहरो सूत गईलन यार नाचे वाली रात बिता देलस नाचत नाचत बाबा। चार बजे भोर में जब गाना बंद करे के पारी आई नाच बंद करे के टाइम आई तब मलिकार उठ के आ गईलन कला है नाचने वाली किसके आदेश पर नाच गाना बंद कर रही हो कलस की ये मलिकार हाथ जोड़ती थी रात बीत गल चार बजल भोर हरिया अब हम थक गए लैला बंद होई दूसरों का सट्टा होई कि तुहरे होई ये बंद करे का टाइम कल ना 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 ऐसे नाच बंद ना होई नाचे वाली कहलेस का कहलेस भोजपुरी कुल तो हम नाच ले ली का नाची हो बाकी ना हो लेकिन तोके पता ना हो तू सूतल लला जाके कहे कब बेली कब पाप तू नचवला आइए एक बिरहा की ओर चलते हैं बाबूजी जौना बिरहा के समय कहानी का बड़ा चर्चा बा नेट के दुनिया में और ये चर्चित एक फौजी की कहानी है जो फौज के जवान हमारे देश के रक्षक हुआ करते थे और जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो ऐ बाबूजी दुनिया में फिर बचता क्या है मेरा आपसे सवाल है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर दुनिया में बचा क्या और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने क्यों रक्षक को भक्षक कहा एक दहेज लोभी फौजी की कहानी है क्या कहना है भूमिका में मास्टर कि गरीबों को ईश्वर तू बेटी न देना अगर देना बेटी तो धनवान करना अमीरों को सद्बुद्धि देना तू दाता करे बंद दीनों का अपमान करना बहन बेटियों का जो करता कदरना उसका भी मालिक तू इंसाफ करना सौदा करे अपने संतान की जो सियाराम उसको नहीं माफ करना एक कला
में इतना तो कर्तव्य बनता है कि समाज की कुरीतियों पर नजर डाली जाए, समाज की बुराइयों पर नजर डाली जाए। कलाकार का ये फर्ज होता है अच्छा करने वालों को अच्छाई से पेश करना और बुरा कर्म करने वालों को बुराई उनकी उजागर करना। सिर्फ पैसा कमा लेना, धन जुटा लेना ही कर्तव्य हमारा नहीं है, ये हमारा परम कर्तव्य है कि जो जैसा करेगा वैसा उसे कहना पड़ेगा। अगर नहीं कहते हैं तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हम करेंगे। भगवान कभी गरीबों को बेटी न देना, अगर देना तो धनवान बनाना। और जो बहन बेटियों की कदर नहीं करता, ऐ मालिक उसे सद्बुद्धि देना, और हम यही कहेंगे उसे बेटी मत देना। एक लाइन कव्वाली है, कवन कव्वाली है मास्टर तनियावा? बसीयक बसीयक और दुनिया गए, बसीयक और दुनिया गए इसी संसार के नीचे। बड़ी सुंदर लाइन का लिखल गई लवा, क्या होती है बेटी? बाप की पगड़ी है बेटी, अरे बाप की पगड़ी है बेटी, ससुर की शान होती है। बेटियों का कर्तव्य, बेटा एक घर बनाता है बाबूजी, लेकिन बारे बेटियां दो घर को सजाती है, मायका और ससुराल, ये होती है बेटियां। कहानी कहां कहा, कैसन कहानी है, आवा तनी प्रकाश डालल जा शहर के माध्यम से। बारे बेटी क्या होती है, कवि जी लिखे गए, आइए। लक्ष्मी स्वरूपा घर की खुशहाली है बेटी, मुस्लिम की ईद हिंदू की दिवाली है बेटी, माता कलेजा पापा की जान बेटिया, भाई के लिए सारा जहान बेटिया, जरियो तीज करवा की चौथ जो बेटी, जला कर मारी जा रही बेमौत जो बेटी, हादसा अजीब एक राजस्थान का सुने, अलवर जिला का नानी दास तान ये सुने, लड़का राकेश फौजी की शादी है।
इतना सुंदर दास्तान आपको दिया। सब कुछ बेटियों से शुरू होता है, भाई के लिए बहन, बाप के लिए बेटी, माँ के लिए बेटी, हर जगह बेटियों का बयां पाया जाता है बाबूजी। वो है बेटियाँ, चाहे तीज हो, करवा हो, कोई दिवाली हो, दशहरा हो, कोई त्योहार हो, लेकिन बारे बेटियों का सम्मान, रक्षाबंधन हो, हिंदुस्तान की धरती पर बाबूजी बेटियों का सम्मान होता है। एक ऐसी ही कहानी मिली प्रांत राजस्थान से, जिला अलवर। अलवर जिला राजस्थान की एक कहानी है। राकेश नाम का एक फौजी जो फौज का जवान था, फौज का जवान राकेश जब फौजी हो गई लन तो जनते हुआ आप लोग लड़का जब फौजी हो जाला तब बाऊ का मोश टाइट हो जाले। संभो भैया कहन की लड़का फौजी हो गयल हो, लड़का तब फौज में हो गयल, अब कोनो दिक्कत ना ही बा। एक घर का एक बेटा अगर फौजी हो जाता तो एक पुश्त नहीं सात पुश्ते बन जाया करती है। आवे वाली पीढ़ी और जोन पीढ़ी चल गई लिए वो पीढ़ी का नस्ल तक लोग बताओ ना कि सुधर जाला। वो होता है फौज का जवान। राकेश फौजी हो गई, बाबू का मोश टाइट हो गई कि अब फौजी बेटवा का ब्याह करब। तिलकहरू दुआरे दौड़े लगलन, जान जाइया कि फलाना के लड़का फौजी हो गल है। लगी है जूता घिसे दुआरे, लगी है जूता घिसे। अब हर बाबू का कहीं यह बात कही है, लोग लड़का का बाबू जोन मोस्ट टाइट कह के घूमत हुआ, कालो टाइट कह के घूमत हुआ। कही है कि फलाने गांव का आई लल लड़कवा का मम्मा लिया के आर लन कलन की भैया चार चक्का गाड़ी ले ला, एक ठे 10-11 लाख तिलक ले ला, लेकिन बियाहवा हमरे लड़किया से कह ला, लेकिन जानत हुआ शादी हमन ना कैली, लड़किया तनी सावर रहे। तू बताओ हुआ कि तुहार लड़की साफ सुथरा तो तिलक का चिंता मत करा, लड़की बढ़िया रहे के चाहे। हमरे लड़का का कहना भी है तो यही तरह रिश्ता लेके पहुंच गई सोनम का बाऊ राकेश के द्वारे। राकेश फौजी के द्वारे सोनम नाम का लड़की ओकर बाप पहुंच गई रिश्ता लेके। सोनम का बाऊ अशोक यादव पहुंचला रिश्ता लेके, लड़की बड़ी सुंदर बा। जब देखले हुआ फोटो वोटो लड़का का बाऊ अशोक देखौलन फोटो कलन की, देखा यह हमार लड़की बा, बीए कैले हा, एक नंबर का सुशील सुंदर हमार लड़की बा। जवन कहबा तिलक मुंह खोल के कुछ बोल दा, कलन की भैया का तिलक बोलल जाए, हम तो 1 रुपया पे ब्याह भी कह ले, लड़की सुंदर रही थी 1 रुपया पे भी ब्याह कह ले, गौर करेंगे बाबूजी। यही से बिरहा का कहानी शुरू भइल, लड़की का फोटो देख ले हुआ, लड़की अति सुंदर बा। शादी का बात वहाँ एकदम पक्की हो गई, शादी का बात पक्की हो गई। बिरहा में एक लाइन बड़ी सुंदर तर्ज लगत बा मस्त, राम के कोनो मेहरारू का मरद गौना उना करा के ठंडी में एकाक दू हफ्ता बितौलन चल गिलन कमाए। ठंडी में दुल्हिन बड़ी परेशान बा, कलश की बियाह भेल ठंडी में तो एको दू महीना नहीं रहलन, चल गिलन 15 दिन में। आए हाय हाय कहत बा मास्टर का कहे, यह कहे बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोई, रतिया सवतिया पहाड़ दिन भाई, रतिया सवतिया पहाड़ दिन भाई। Yeah.
जी भाव लिखत हुवन का लिखल गईल फोटो देख करके सोनम का राकेश के पिता रिश्ता को तय कर देते हैं बाबूजी। लेकिन होता क्या है, अरे पढ़ ली लगन चार नवंबर सगाई जी। 2 नवंबर को तिलक का डेट हुआ और 4 नवंबर को शादी का डेट तय हो गया 2022। कौर करेंगे बाबूजी, तिलक और शादी का दिन वहीं पर रख गया, शादी और तिलक दोनों फाइनल हो गया डेट। फाइनल करके जब जाने लगे कहे लेन देन का कोनो झंझट ना है, कहना लेन देन कुछ तो मुंह खोला, कुछ तो बतावा कि नहीं हमके इतना चाहिए, हम जानते जाई कल 1 रुपया पे हम शादी कर ले। कल बा हाथ जोड़ लेला, कल कि सच्चाई, कल कि हाँ। तो लोग बतावल कि ए बाबू, जहाँ 1 रुपया पर शादी का बात तय करत हो, याद आ गल की पहले के जमाना में लोग यह कहत रहन, आज ही समधी भाई हमारे ईसन बात कहत हुए, एकर मतलब सही हुआ। कल 1 रुपया का बात, 1 रुपया में शादी कर ले, हम का समझत हो तुहरे दहले हमारे धन न, हमारे लड़का फौजी हो गल। कल की बस यही जगन रिश्ता तय हो गल, सारी बात फाइनल हो गई। ऐ मेरे बाबूजी, गौर करेंगे कल की आखिर सदिया कल लड़की तुहार देख के हम ब्याह करती, लड़की तुहार पसंद आ गई है, और जहाँ लड़की पसंद आ गई वहाँ दान दे जा से का होई। एक बेटी के बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती मेरी समझ से। गौर करेंगे बाबूजी, दिन तो धरा गल तिल के शादी का, लेकिन यही बीच में अगुआ आयल हुआ, अगुआ इलक कल की देखा भाई वो तो कुछ मंगलन नाही, लेकिन लड़का उनकर फौजी बा, और जब लड़का फौजी बा तो ऐसा थोड़ो कि वो नाम मंगल तो उनके ना दिया। कल तब अगुआ भैया जवन कहा तवन कह देवल जा, हम तो बहुत कली लेकिन मुँह ना खोलना। कल वो नाम मुँह खोलना ऐसे हम तो के बतावत है, कम से कम 1 बुलेट 5.5 लाख रुपया लड़का के खाता में ट्रांसफर कह दा, बाद में वो इनक कहे की कुछ ना देना। ठीक, 1 बुलेट लड़का के नाम से बुक करा दिल, मंगा दिल, और 5 लाख ट्रांसफर करे लगल। तो कल की 50,000 और 5.5 लाख रुपया लड़का के खाते में राकेश फौजी के खाता में ट्रांसफर कर दिल, और बुलेट मंगा लेल लड़का के नाम पे। गौर करेंगे बाबूजी, अब बिरहा में एक लाइन गाड़ी वाली यहाँ तर्ज लिखत हुन कवि जी,
कवन गीत मास्टर गारी कवा दिखाई गारी वाली तर्ज है मेहरारू गावेली बाबा। साढ़े तीन बजे मुन्नी जरूर मिलना, मड़वा में इका गावेली मास्टर हो बिछी डोल गई, बिछी डोल गई, बिछी डोल गई बीचे मड़वा में, बिछी डोल गई, बिछी डोल गई मोरे मड़वा में, बिछी डोल गई। और सबके ही में गावेली ये शंभू भाई अमन कोनो ऐसन बात ना है, एहू से अश्लील गारी मेहरारू गावेली। बहादुर भैया अमन कौन अश्लीलता है, आज जैसे कि मेहरारू कहिया समधी के मरलेस बीच तबले समधी हाली 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 खाए शुरू कर ला 5,000 अब बतावा। लेकिन वही में गावेली और का गावेली के मेहरारू हमारे आपके घरे के गावली में कोनो अश्लीलता ना है, लेकिन बिरहा के अंदर भाव है। वो समय का दास्तान जब वहाँ का तिल करू तिलक चढ़ावे जात हुआ पूरा हित नात रिश्तेदारन के लेकर के अशोक यादव चलल हुवन अपने बिटिया के तिलक चढ़ावे राकेश फौजी के दरवाजे पर, राकेश फौजी का तिलक चढ़ावे। कहाँ भइल मास्टर बिरहा में भाव है। तिलक लेके आई गई ले, तिलक हरू तिलक लेके आई गई ले, तिलक हरू तिलक हरू तिलक लेके आई गई ले, तिलक हरू। अरे सखिया सहेली सुनावे गारी,
कहानी तनी से मोड़ लेते ए बाबूजी। जहाँ एक रुपया की बात नहीं थी वही पर होता क्या है गौर करेंगे, वही पर नंगाए गईलन समधी। जहाँ बात ना रहल एक रुपया दहेज का, जहाँ बुलेट राकेश फौजी के नाम के आयल हो, जहाँ 5.5 लाख रुपया राकेश फौजी के खाते में गयल हो, वही बात अब फंस गईल। बात फंस गईल अब लैका का मलिकार लैका का बाबू ना हवा, लैका का मालिक लैका का चाचा बन गईलन, नंगाए गईलन। बात कहाँ बढ़ल मास्टर, बिरहा में तर्ज बदल गईल। पहले तो गवैया गाँव में मास्टर, अरे सुंदर यैली बनिहारी नकुआ ना करेंगे बाबूजी। बिरहा के कहानी पर से ध्यान न हटे गौर करेंगे। यहाँ जहाँ तिलक चढ़े बाद आइल बड़न लड़की का बाप राकेश फौजी का तिलक चढ़ावे दरवाजे पर आयल हुआ, जहाँ एक रुपया का बात ना रहल वही बात फंस जाती है। यार कुल मेहरारू लड़की जुट के गारी गावत बाणी गाना बजाना होत बा, भाव बे जलसा भारी जलसा सजल बा, वही जखन बात फंस गईल भाव भा का भइल। दूल्हा के चाचा ओ मकार होती खार कहा समाधि से अपनी, चाचा बतौली ने कि लैका का बाप ना अब लैका का चाचा मालिक हो गल हुआ। वहाँ कला की बतावा कैठे हार लियाल हुआ, अंगूठी कैठे लियाल हुआ। कला की भैया अंगूठी हार सिकड़ी कुल का तो बात है ना भइल है। कला रे कैसे कहत हुआ कि बात ना भइल, बात भइल है। सुना कहलन का कहलन, अरे कहल अशोक साफ साफ अपन बतिया, सोने का अंगूठी
दस ठे कहले रहली लियाल हुआ, सिकड़ी सोने का कहले रहली एक ठे लियाल हुआ, कल भैया एक ठे अंगूठी का तो बात ना कैला, तू यहाँ दस अंगूठी के बात करत हुआ, सिकड़ी का बात है ना कैला, यहाँ सोने के सिकड़ी का बात करत हुआ, कलन की दस ठे अंगूठी सोने का, एक ठे कम से कम अढ़ाई भरे का चैन सोने का, इतना चाही लियाल ना हुआ, कलन एक कोना लिया लीलाम से बात है ना भई लाल, कलन की झूठ मत बोला, कहले रली, लेकिन तोरे समझ में ना आयल, तोरे सुनाई ना पड़ल, कलन की अगुआ हमसे कहलन कि बुलेट दे दा लड़का के नामे बुलेट देखा हुआ खड़ी है, पांच लाख कलन हम 5.5 लाख रुपया राकेश फौजी के खाता में अपने खाता से ट्रांसफर कर लेला, देखला पता लगा ला, अंगूठी का सिकड़ी का तमसे बात है ना भाई लाल, हाथ जुड़े थी भैया ऐसा मत करा, कलन की खबरदार खबरदार बात मत करा हमसे, फौजी लड़का है, चला लुआ ब्याह करा फौजी लड़का से, एगी तोरी कर्म पे ही कर्तव्य पे फौजी लड़का तोरी लड़की के मिली, फौजी लड़का दामाद बनेबा, कतई न शादी हुई, सुना हमार बात, कल भैया फ्रिज है कूलर है अलमारी कल कुल छोड़ा, भयल का मास्टर कहली न कि बतिये फंस गई, हवा बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर, बड़ा गर्मी लगत रहे अपनी दुल्हा से कहत बा, का कहे मास्टर, तरतिया होले गरमिया नहा डोले पवना वाना, तुम्हारे गहरमी के मारे दूल्हा बाबूजी, लेकिन यही बिरहा का भाव शुरू कवि जी लिखत हुवन का भैलावा, बतिया सुनत है घटिया पारया मानावाना, बतिया सुनत है घटिया पारया मानावाना, खेद दुआरे से दुतकार लड़का फौजी पाय हमार, भाग जा लईका हमार फौजी है, तोरे एक कर्म पे तोरे ये चाल पे फौजी दमाद तो है न मिली, कहलन खेद दुआरे से दुतकार लड़का फौजी बाय हमार, तो दे दा 11 लाख 10 अंगूठिया चया हुआ, 10 ठे अंगूठी अढ़ाई भरे के एक चैन, अगर देत हुआ तो इस शादी परसों बारात आई, नहीं तो फिर बारात अब दुआरे तुहरे ना आई, और तुहरे ये चाल पे तू फौजी दमाद तो मिलबे न करी जीवन में, का समझत हुआ, चलल हुआ फौजी दमाद खोजे, खबरदार वो कलर के पद पर लड़का, कलर के पद पर है, चलल हुआ लड़का फौजी
दमाद बनावे खबरदार चल जा दुआरे से ना तो ठीक ना पड़ी। अरे बाप रे बाप, गौर करेंगे बाबूजी, एक लड़की के बाप के सामने जहाँ एक रुपया का बात ना रहल, जहाँ लड़का राकेश फौजी का बाप कलन एक रुपया पर शादी करब, मैं समाज से कहना चाहती हूँ बाबूजी, अगर धन के लोभी है दरिंदे तुझे धन इतना जरूरी था तो क्यों नहीं मुंह खोल कर बोल दिया उसी समय कि मुझे 11 लाख रुपया चाहिए, बुलेट गाड़ी चाहिए, 10 अंगूठी चाहिए और 2.5 भरे का सोने का चैन चाहिए, बोल देवे के चाहत रहल। अगर वो लड़की के बाप के पटत रिश्ता तय करत नहीं तो वही मान जात ना करत, लेकिन आए धन के लोभी दरिंदे क्यों नहीं वो उस वक्त मुंह खोला, तू खोलना चाहिए था। एक तरफ तो हमारा समाज कहता है कि दहेज लेना अपराध है, दहेज देना लेना जुर्म के अपराध है, दहेज के खिलाफत करत हुए लोग, लेकिन वही कहते हैं कि एक रुपया पर शादी कह ले, अगुआ से कहें कि जा इतना कह दा, जब उतना वो दे देत हुआ तब तिलक चढ़ावे अवत हुआ, तो वो समय ई डिमांड ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कभी जी बिरह की शैली में बड़ी ऊंची बात लिखत हुआ मास्टर का भयल, हर खुशियों में कम की आधी आ गई, हर भैया खुशियों में गम की आधी आ गई, निमंत्रण बांट गया है टूट रही है। शादी खुशियों में गम की आधी आ गई, हाथ जोड़ के लड़की का बाप खड़ा हो गई लन, अशोक यादव कलन के हाथ जोड़ थी ला, समधी साहब उतार के पगड़ी वही लड़का के बाबूजी के पैर पर रख देलन, रख के गिड़गिड़ाए लगलन कलन के, हमार इज्जत चल जाए, मर मर्यादा चल जाए, अगर आज दरवाजे से हमके अपने लौटा देबा आई शादी टूट जाए तो हमने लड़की का जीवन बर्बाद हो जाए, कोई जल्दी हमने लड़की से शादी करे के तैयार ना हुई, का मतलब रहल की शादी का निमंत्रण बटल बटावल तारीख डेट रखल और शादी टूट गई, हम का जवाब देवे समाज के गिड़गिड़ात हुआ रोवत हुआ कवि जी लिखत हुआ मास्टर भयल का। लड़की का बाबू जी तारीख पगारिया रखे थी हल समाधि के माया जी, हाथ जोड़ी रोई रोई कर ले गोहारिया कर ले गोहारिया, इज्जत लगाना बाटे बाबा जी, पूछली का कहला बाप अशोक वही राकेश फौजी के बाऊ के चरण में पगड़ी रख के रोए लगलन बाबू, रो के कहलन की भैया ओ दिन जब तोहरे दुआरे गए लहली तो कहला कि 1 रुपया में शादी करब, कोई मांग ना कोई डिमांड ना, तुहार लड़की हमके पसंद है, बहुत कली भैया कुछ मुंह खोल के बोल दा कुछ बता दा, लेकिन ओदी ने एक बात बिना कला कि हमके 11 लाख रुपया सोने का सिकड़ी 10 अंगूठी कुल चाहिए, एक बार तो बोल सकत रहला लेकिन एक बार ना बोला, आज ये भरल समाज में हमार इज्जत मत उतारा, इज्जत मत उतारा भैया,
हाथ जोड़ते हमार सम्मान अब तोरी हाथ में उठाला, तोरी चरण में गिर गए उठाला भैया। और लड़की के बाप भैला के नाते आजीवन हमके तोके देवही के हम, जब तक जिया तब तक कुछ ना कुछ अपने बिटिया के देत रह। हाथ जोड़ती हमारी इज्जत मान सम्मान मर्यादा ही पगड़ी आस तोरे हवाले हो गई। उठाला भैया बारे लड़का का बाप मार दिया ठोकर उस पगड़ी, ठोकर मार दलन पगड़ी के दूर जाके फेंकाई ला। और वही बगल में खड़ा के राकेश फौजी, एक बार आए दरिंदे तुझे बोलना चाहिए कि पिताजी अगर एक रुपया में शादी तय कैले रला तो आज ही मांग काहे। लेकिन बारे देश का जवान जो हमारा रक्षक है, जो हिंदुस्तान की सरजमी का रक्षा करता है, जो जवान के बहुत फौजी कभी रहा गोली भैया, लेकिन आज मैंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा उसके लिए नीतू राज गाती रहेगी। हमारे फौजियों ने जब अच्छा किया हमने अच्छा गाया, आज भी हमारे फौजी अच्छा करते गा। लेकिन वही राकेश जैसा फौजी जब ऐसा जघन्य अपराध करेगा जो कि गिना चुना है, सारे फौजी ऐसा नहीं करते है, लेकिन बाप से भी ज्यादा लोभी धन का बाप से भी ज्यादा लालची राकेश फौजी बोल पड़ा भरे समाज में कि ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ये शादी, जो करना है कर लेना, जो तय किया है मेरे पिता ने वो देना पड़ेगा। अब हिंद लोग बतियोते हुए ने भैया, तब तक वही बगल में लड़का का चाचा खड़ा हुआ गरज के बोल पड़लन, का कहलन मास्टर, तो गरज के बोला चाचा, तो गरज के बोला चाचा, ते ही छनवा ज्ञानवा ना तुहरे, अब बेटवा हमर फौजी बाद जवानवा ज्ञानवा ना तुहरे। हमसे लेला चाहे जहिया हो, अनपढ़ गवार खो जा जाम, अरे खन दनवा ज्ञानवा ना तोहरे, तो हट जा हमरे आखी के समानवा ज्ञानवा ना तोहरे। ये लईकवा जवन देखत हुआ ना, ए लईकवा का मम्मा कहिया दियावत रहलन, कायदे का पैसा दियावत रहलन, 50 लाख रुपया दियावत रहलन, ना लहली ना सदिया तय कैली, तुहारी सहूर बा तोरी सहूर पर लईका फौजी खोजत हुआ, जा कहीं अनपढ़ गवार लईका खोज के कर बियाह कर दो, के तोरे फौजी लईका ना मिली, हट जा मरी आखी के सामने से, हट जा मरी द्वार से, द्वार खाली करा बाबा, जवन देहले हुआ ओके ले ला बाबा, अब्बा तोहार दे देती ला, और जा यहां से, जा के कोनो अनपढ़ गंवार लईका खोज के लईकी के बियाह कर दी हा। अरे बाप रे बाप, जब फरल महफिल में गरज के तनी बात कहले हुवन, लईका का चच्चा पूरी महफिल उठ के खड़ी हो गई, सन्न हो गई, अरे होत का हो, वही लईकी का बाप हाथ जोड़ के गिड़गिड़ात हुवन, क्या बेटी को जन्म देना इतना बड़ा पाप है बाबा, अगर इतना बड़ा पाप लईकी के जन्मावल है ए बाबू, तो ओके का कहबा जे लईकवा के बेचत,
गौर करेंगे मेरी इस बात पर, क्या के ना गया लाक लाइन लगाओ मास्टर तनी तो। बिरहा सुने वाले बाबू लोग, ए हमरे आल्हा के लाइन पर तनी गौर करिहन। बाह का लिखल गई, अरे बिटिया जनम यही से, अरे बिटिया जनम यही से भार दुनिया में बाबू, भार दुनिया में बाबू, भार दुनिया में बाबू। बेटा वाला लोग आज कर के दूसरे के घरे भी है कि करे क्या, हे मालिक कैसे पार होई, शायद वो दिन याद करके बेटी का बाप सर झुका लेता है, मेरी जहां तक सोच जा रही है। यही दिन अगर बेटियों के पिता को देखना गए तो मैं गुजारिश करूंगी कि ऐ मालिक बेटी न देना, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है, गौर करेंगे, अगर मालिक बेटी देना बंद कर दे तो आए दौलत लेने वाले लोगों पैदा कर लो बेटों को, और बेटों की शादी करोगे तो कहाँ करोगे। अगर बेटियां ही ना हो इस जहान में तो अपने बेटे को बेचोगे कहाँ। ऐ नीच दौलत लेने वाले दरिंदों, ने बेटों का सौदा आखिर कहां करोगे, ये नीतूराज का सवाल है। क्या के ना दे मास्टर, आई लाला बटके जबया सो कजी भवन Yeah।
होने के नाते कहना चाहती हूँ, उस लड़की के दिल से पूछिए, जिस लड़की की आई हुई दरवाजे से बारात जब वापस चल जाती है, तो उस लड़की के दिलो दिमाग पर, उसके जिगर पे, उसके दिमाग पर क्या गुजरती है, क्या होता है उसका हाल, कौने हालात से लड़की गुजरत हुई, जो नहीं समय के ही पता चला तो कि मार सदिया टूट गई दहेज कमरा। वो सब लड़की का सोचत हुई है, दहेज लेने वालों अगर तुम्हारे पास बेटियां होगी तो एक बार इस बात को जरूर सोचना। क्या के ना पड़ा मास्टर कैलन का लड़की का बाबू ऑफिस और चार को बारात आने वाली थी। आए हाय हाय, और तिलक के दिन इतना बड़ा हादसा, वो भी वो फौजी, जो फौजी देश का रक्षक है, जिस फौजी के जागने पर हम आप सोते हैं, ये कहानी इतना तूल क्यों पकड़ी है जानते हैं? इसीलिए कोई आम आदमी नहीं, देश का रक्षक ही भक्षक बन गया, इसलिए इस कहानी को गाना पड़ा बाबूजी। तो पिता क्या किए, लड़की सोनम के पिता अशोक यादव जाते हैं एसपी ऑफिस, गांव के सरपंच को लिए, कुछ हितनाथ को लिए, कुछ सम्मानित व्यक्ति को लेकर के एसपी ऑफिस गए, और जब वहां जाकर सारी बात को बताए तो वहां उनका एसपी साहब ने कोई मदद नहीं किया। कहे ये फौज का मामला है और इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, चले जाइए यहाँ से, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आए हाय हाय, जब इतनी बात एसपी साहब कहना, अब अही लड़की के बाबू हार माने के तैयार ना हुआ, लड़की के बाबू हार माने के तैयार ना हुआ, ए बाबू फटकार करके एसपी साहब तो वहां से भगा देते हैं, वहां से तो भगा दिए एसपी साहब, लेकिन एक सवाल है इस समाज से, क्या सवाल है? तो राकेश फौजी जस जवान सुधार कैसे होगा? अब मास्टर, अरे दहेज में मांग पूरी थैली नाही भैया, अरे नालायक राकेश तोड़ी दिहला हो सगैया, ऐसा दहेज खातिर सगरो अरे व्यवहार होई है, बोला कैसे ये देश का सुधार हो? ऐसे ऐसे लोभी दहेज के जब तक समाज में रहेंगे तो इस समाज का कल्याण तो नहीं होने वाला, कभी नहीं हो सकता है। आज वह नालायक राकेश फौजी वही सगाई तोड़ देता है। भैल का मास्टर मांग हो लाई एसपीओ राकेश हो निलंबित, हर जाना शासन दिलवा कर दंडित, महिमा मंडित उनकर कैला कुल बेकार होई है।
तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, यही मेरा समाज है। समाज के लोगों में लगा कि ऐसा होने लगेगा तो फिर बेटियां तो बिन ब्याह ही रह जाएंगी। समाज के लोगों ने आगे कदम बढ़ाया और एकता बनाया और कहा कि ऐसे फौजी को इसके पद से हटाया जाए, फौज से बर्खास्त किया जाए इसे। और ऐसे एसपी साहब जहां दरख्वास्त लेकर के गरीब बाप जाता के बेटी का बाप और उसकी सुनवाई नहीं करता के जो एसपी, उस एसपी को भी एसपी पद से निलंबित किया जाए। गौर करेंगे बाबूजी, ये होना चाहिए, ये मेरी भी सोच है, मेरा भी मानना है। ऐसी फौजी को फौज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे हटाया जाए और ऐसे एसपी साहब को निलंबित किया जाए, ये मेरी भी मांग है। और यही पर कहानी हम खत्म करते हैं आखिरी में खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी नीच वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, खुशियों में गम की आधी आ गई।